गंगा में मिलने वाली नदियों में से यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली यमुना का 1370 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद प्रयागराज में गंगा से संगम होता है। अपनी इस यात्रा में यमुना देश की राजधानी दिल्ली से गुजरती है, जहां लगभग 2 करोड़ लोग इस पर आश्रित हैं। यहां प्रतिदिन 327 करोड़ लीटर सीवेज जनरेट होता है, जिसमें से 276 करोड़ लीटर सीवेज का प्रतिदिन ट्रीटमेंट किया जाता है। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत जब गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए समग्र योजना बनाई गई, तो उसमें यमुना के स्वच्छता की आवश्यकता को भी प्राथमिकता दी गई और दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर यमुना की निर्मलता के लिए सीवरेज प्रबंधन का विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया। इसके अंतर्गत दिल्ली को 12 ड्रेनेज जोन्स में बांटा गया है। इनमें ओखला, रिठाला, शाहदरा और नजफगढ़ प्रमुख हैं। ओखला जोन में 6 STP हैं, जिनमें से फेज 5 और 6 के 7 करोड़ लीटर प्रतिदिन और 14 करोड़ लीटर प्रतिदिन के 2 STP काम कर रहे हैं। यहां नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत फेज 1, 2, 3 और फेज 4 के पुराने STP की जगह 56 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता के नए STP का निर्माण किया जाएगा। शाहदरा जोन के कोंडली में फेज 4 का 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन का STP कार्यरत है। यहां नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत फेज 1, 2 और 3 में 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन के 3 नए STP का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा K4 में राइजिंग मेन का रिहैबिलिटेशन और साथ ही K1 के सीवर नंबर 4, K2 के सीवर नंबर 5 में ट्रंक सीवर का रिहैबिलिटेशन भी किया जा रहा है। ड्रेनेज जोन रिठाला में 18 करोड़ लीटर प्रतिदिन के STP का रिहैबिलिटेशन और अपग्रेडेशन किया जाएगा और साथ ही वहां R1A में ट्रंक सीवर का और R1B में राइजिंग मेन का रिहैबिलिटेशन भी किया जा रहा है। आज 1656 करोड़ की लागत की इन सभी परियोजनाओं के साथ 65.24 करोड़ की लागत से स्वीकृत छतरपुर में 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन के 9 डिसेंट्रलाइज्ड STP के निर्माण की परियोजना का भी माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त यमुना प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे के सहयोग से कोरोनेशन पिलर में 32 करोड़ लीटर प्रतिदिन का STP और पेरिफेरल सीवर का रिहैबिलिटेशन का कार्य, नए STP का निर्माण और नजफगढ़ ड्रेन के कमांड एरिया में STP का निर्माण प्रमुख हैं। दिल्ली में यमुना की सतह की सफाई के लिए ट्रैश स्किमर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यमुना नदी की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे के अंतर्गत अन्य राज्यों में भी कई परियोजनाओं के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। इनमें हिमाचल प्रदेश में पौंटा साहिब, हरियाणा में सोनीपत एवं पानीपत तथा उत्तर प्रदेश में मथुरा, वृंदावन, आगरा और प्रयागराज में सीवरेज प्रबंधन की परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। दिल्ली के बेहतर भविष्य और यमुना की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान एवं दिल्ली सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे साझा प्रयासों से भविष्य में यमुना भी अवश्य ही अविरल और निर्मल बहेगी।